बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीड पर्सन को बजट 2021 में क्या क्या मराहत मिली हैं और बिजनेस मैन को बिजनेस में क्या क्या मराहत बजट 2000। बी अवेयर विद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल, लाइक शेयर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल फॉर मोर अपडेट्स। कॉन्टैक्ट ऑन WhatsApp number 0341776377 for paid service only. Only. Subscribe. 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 इस बजट में बिजनेसमैन है उसे तो बहुत ज्यादा मराहत दी गई है एज कम्पेयर टू सैलरीड पर्सन, क्योंकि सैलरीड पर्सन की जो सैलरी में इजाफा किया गया है इस बजट में, अगर कंपेयर किया जाए इन्फ्लेशन के हवाले से, कंपेयर किया जाए जो महंगाई हो गई है उस हवाले से, तो ये बहुत कम है। और इसके बाद हम अगर बजट को डिटेल से पढ़ें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अलाउंसेज हैं जिन पे टैक्स एग्जेम्प्ट था, तो अब उनके ऊपर टैक्स की प्रपोजल पेश कर दी गई है। जैसे कि मेडिकल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस था, इनके ऊपर टैक्स पहले एग्जेम्प्ट थे, तो अब इस बजट में, बजट 2020-21 में इनके ऊपर टैक्स लगाने की प्रपोजल पेश की गई है। इसके मुकाबले में जो बिजनेसमैन हैं उन्हें काफ़ी मराहत दी गई हैं। उनमें कौन कौन सी मराहत दी गई हैं वो हम स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम SME को डिस्कस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। उनका टर्नओवर अगर 100 मिलियन तक है तो वो 0.25% टैक्स दे सकते हैं, और अगर वो टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देना चाहते हैं तो 7.5% अपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स दे सकते हैं। अगर उनका टर्नओवर 10 मिलियन से ज़्यादा है, 250 मिलियन तक है, तब वो अपनी जो टर्नओवर है उसके ऊपर 0.5% टैक्स पे कर सकते हैं, और अगर वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना चाहते हैं तो वो 15% टैक्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर टर्नओवर पर टैक्स देंगे 0.25% लगेगा, अगर उनका जो टर्नओवर है 10 मिलियन से कम है, 10 मिलियन तक है, अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है, 250 मिलियन तक है, तब उन्हें 0.5% टैक्स देना होगा, और जब टर्नओवर पर टैक्स वो पे करेंगे तो वो फुल एंड फाइनल उसमें आ जाएंगे। इसमें उन्हें ये बेनिफिट होगा कि वो ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के हवाले से बात करते हैं। अगर कोई IT फ्रीलांसर है, वो अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट करता है, तो उसको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और अगर इसके अलावा कोई अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट करता है तो उसे 1% टैक्स देना होगा, जो फुल एंड फाइनल में आता है। इसके बाद मिनिमम टैक्स की हम बात करें तो पहले नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाता था, और इसके साथ साथ जो उसका टर्नओवर होता था उसके ऊपर 1.5% टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। इन दोनों रेट में से जो हाई होता था वो एप्लीकेबल होता था। दूसरे नंबर पर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की हम बात करें तो उनका जो टर्नओवर है 10 मिलियन पर एप्लीकेबल ये टर्नओवर टैक्स नहीं होता था। जैसे कि अगर टर्नओवर टैक्स 10 मिलियन तक है या इससे ज़्यादा है तो इसके ऊपर 1.5% टैक्स इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे करता था। अगर 10 मिलियन या इससे कम है तो टर्नओवर टैक्स जो 1.5% है ये नहीं होता था। अब क्या किया गया है, अब दो चेंजेस की गई हैं। एक तो टर्नओवर बढ़ाकर 10 मिलियन से 100 मिलियन कर दिया गया है। अब 100 मिलियन तक अगर किसी इंडिविजुअल का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टर्नओवर है तब उसके ऊपर टर्नओवर जो टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो वो टर्नओवर टैक्स पे कर सकता है और उससे भी अपनी टैक्स कैलकुलेट करेगा, और नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट से भी अपनी टैक्स कैलकुलेट करेगा। दोनों में से जो हाई होंगे वो पे करेगा। तो इस बजट में क्या चेंजिंग की गई है, एक तो ये चेंजिंग की गई है कि जो टर्नओवर के जो रेंज है 10 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन तक कर दी गई है, और जो टैक्स रेट है वो पहले 1.5% होता था टर्नओवर का, अब रिड्यूस कर दिया गया है, 1.2% टैक्स कर दिया गया है। तो क्या करना है, तरीका मेथड वही है, हमने टैक्स कैलकुलेट करना है नॉर्मल टैक्स स्लैब के रेट्स अप्लाई करके, और दूसरा टर्नओवर के ऊपर ये टैक्स रेट अप्लाई करके, तो दोनों में से जो हाई होगा वो हमने पे करना होगा। एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट की हम बात करें तो इस बजट में जो प्रपोजल दी गई है वो सैलरीड पर्सन की भी और नॉन सैलरीड पर्सन की भी एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट हमने जमा करवानी होगी, और विदहोल्डिंग स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो बाद में हमें दिया जाएगा। एडवांस टैक्स रेट्स की हम बात करते हैं। एडवांस टैक्स रेट्स में जब हम अपना एडवांस टैक्स जमा करवाते थे उसके अंदर एक एस्टिमेट की ऑप्शन आती थी
हम एस्टिमेट करते थे, फॉरकास्ट करते थे अपने जो टर्नओवर है उसके ऊपर क्या होता था, कमिश्नर को अख्तियार होता था कि वो एस्टिमेट को आपके रिजेक्ट भी कर सकता था। लेकिन इस जो बजट 2020-21 में पेश किया गया है तो कमिश्नर की जो ये पावर ये ख़त्म करने की प्रपोजल दी गई है। बिजनेस अकाउंट की हम बात करते हैं, बिजनेस अकाउंट्स जितने भी आपके हैं उनको डिक्लेयर करना अपने टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी है, लाजमी है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे ना सिर्फ अपने बिजनेस बैंक अकाउंट्स को बल्कि आपके जो बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है दूसरे बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें भी आपने अब डिक्लेयर करना है, उनके बैलेंसेस को डिक्लेयर करना है। अगर आप ये डिक्लेयर नहीं करेंगे तो इसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज इस बजट में लगाई गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वुमेन्स की, अगर कोई औरत या लेडीज कोई बिजनेस करना चाहती है और उसकी फुल ऑनर है, 100% ऑनरशिप उसी के पास है, तो उसे टैक्स में 25% टैक्स डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुटी और पेंशन की, जो कि सैलरी से रिलेटेड है। तो ग्रेजुटी और पेंशन पहले टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड होती थी, अब जो इनके ऊपर प्रॉफिट लगता है एक लिमिट से ज़्यादा लगेगा तो उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा और उस टैक्स का रेट 10% होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे फेसबुक पेज पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।